नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रभावी एजुकेशन हब। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्विसेज सेक्टर, जो कि चैप्टर 10 है इंडियन इकोनॉमी का, जो मैं सीरीज़ अभी मैंने शुरू किया है उसका चैप्टर 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेक श्योर कि इससे पहले के वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग सर्विसेज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कंटेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। कंटेंट्स यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, आई विल कवर इट। देन इंडिया एंड ग्लोबल सर्विसेज, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। देन स्पेस सर्विसेज की चर्चा करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज देखेंगे। देन ग्लोबल नेगोशिएशंस पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस, द नीड फॉर रिफॉर्म, एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट आउटलाइनिंग द फ्यूचर ऑफ सर्विसेज सेक्टर। ओके, तो देखते हैं। हाउ एवर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन एंड इंडिया एंड ग्लोबल सर्विसेज, बिकॉज आई एम कवरिंग इट इन पार्ट वाइज, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, तो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ सर्विसेज सेक्टर को, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आपको जैसे कि पता होगा कि तीन सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। इन्हीं तीनों तीनों सेक्टर्स के इर्द गिर्द इकोनॉमी घूमती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर है, इसने आउट परफॉर्म्ड कर दिया है अदर सेक्टर को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड अदर सेक्टर्स। तो कौन कौन से सेक्टर को आउट परफॉर्म कर दिया इसने? एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर ने आउट परफॉर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अच्छा खासा है, इट्स मोर देन अदर टू सेक्टर, दो सेक्टर से ज़्यादा है। आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन डिटेल बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट क्लास, बट यहाँ भी मैं बता दूँ कि बाकी दो से इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ज़्यादा है, इट्स मोर देन 35% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। देन नेक्स्ट इज इंडियाज इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट। तो सर्विसेज सेक्टर की वजह से हमारा जो इंडिया का, हमारी कंट्री का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाया है वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड के कैपिटल मार्केट के साथ। कैसे? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो हमारा सर्विस सेक्टर है, मैक्सिमम जो हम सर्विसेज देते हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो स्किल्ड मैन पावर की बात हो। अब आपको पता होगा कि हमारे स्किल्ड मैन पावर देश विदेश में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा है, इससे कि इंटीग्रेशन होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड में और कैपिटल मार्केट में। हमारी आईटी सर्विसेज, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज, ये वर्ल्ड क्लास की है और वर्ल्ड में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाया वर्ल्ड के साथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्विसेज लेड ग्रोथ। तो जो मेजर कंसर्न है सर्विस सेक्टर में, वो रिलेटेड है सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो ऐसा कहा जाता है कि अनसस्टेनेबल है, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है वो मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड पे है। एक्सटर्नल डिमांड पे हमारा मैक्सिमम सर्विस सेक्टर डिपेंड करता है, जैसे कि एक्सपोर्ट करना, हमारी मैक्सिमम सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट हम बहुत कम करते हैं। That is why we cannot say that it is a sustainable one, because for that it has to be a balanced one. Export import का balance होना चाहिए था, जो इंडिया में नहीं है। maximum हम export करते हैं और import हमारा बहुत ही कम है। तो you know
एक तरीके से देखा जाए तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिवली कैनॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल डिमांड। तो अगर एक्सटर्नल डिमांड अगर मान लो वर्ल्ड में कम हो जाती है, वर्ल्ड में एक्सटर्नल डिमांड अगर कम हो जाती है तो क्या होगा, हमारी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट है सर्विस सेक्टर में। तो इंटरनल डिमांड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल डिमांड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये लिंक नहीं करता है बाकी सेक्टर के साथ, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इसका एक बहुत ही बड़ा इशू है। नेक्स्ट इज़ डिबेट। अब एक डिबेट चल रहा था बहुत पहले से, व्हाट शुड बी द सिलेक्शन ऑफ सेक्टर को लेकर, कि कौन सा सेक्टर इन तीनों में से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस में कौन सा सेक्टर जीडीपी को, ओवरऑल इकोनॉमी को लीड करेगा, ठीक है। लीड करने का एक डिबेट चल रहा था और ये डिबेट बहुत पहले से इनफैक्ट चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्लियर हो गया अभी 2014 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, 14-15 का, उसमें उस सर्वे ने बोला कि देर मस्ट बी ए क्लियर कट। उस सर्वे ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ऊपर रखते हैं सर्विस सेक्टर से। क्यों? क्योंकि उस जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में, ऐसा बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ज़्यादा बेटर लगता है सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। देन दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी से था, सस्टेनेबल लगता है, मोर सस्टेनेबल लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है मोस्टली इनफॉर्मल है और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा इनफॉर्मल लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, तो ये भी एक फैक्टर है। देन मैन पावर के अगर स्किल की बात करें तो सभी सेक्टर में ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा अनस्किल्ड लेबर के लिए भी स्कोप है। तो ओवरऑल इन सारे वजहों की वजह से 2014 और 15 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ द अपर हैंड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विंस। नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर 62% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है, ड्यूरिंग द डिकेड 2001 to 2012। तो जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 2001 से लेकर 12 तक के डिकेड में, वो सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, वो 62% है, ठीक है। 62% टोटल जीडीपी, मतलब जितना एक 10 साल में बढ़ी है उसमें 62% हाथ है सर्विस सेक्टर का। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए मैंने अलग से इनको निकाल के आपके सामने रख दिया ताकि आप इनको पॉइंट वाइज याद रखें और इस इस प्रेजेंटली स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देन इंडिया एंड ग्लोबल सर्विसेज, तो अगर इंडियन सर्विस सेक्टर की ग्लोबल मतलब वर्ल्ड के साथ अगर चर्चा की जाए साथ में, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं, वी विल डिस्कस वन बाई वन। नंबर वन इज हिट हार्ड आफ्टर ग्रेट रिसेशन। तो आपको पता होगा कि ग्रेट रिसेशन कब आया था, ये 1930s में आया था, बेसिकली 1929 कहते हैं लोग। तो ये जो टाइम था इस समय वर्ल्ड में बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी बिल्कुल हिल गई थी, जर्जर हालत थी उनकी, डिप्रेशन में थी वो लोग। इसके वजह से हमारा जो सर्विस का डिमांड था सर्विस सेक्टर का
वो इंडिया के सर्विस सेक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ा और वो नीचे चला गया, डिमांड बहुत ही नीचे चला गया। इसके वजह से सर्विस सेक्टर पे ओवरऑल बहुत ही बुरा असर पड़ा। लेकिन अभी कुछ समय से रिकवरी देखी जा रही है, स्पेशली 2016-17 से कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इट इज़ हिट हार्ड आफ्टर द ग्रेट रिसेशन बट विथ रिकवरी। सो रिकवरी इज द रीसेंट वन, रीसेंट में अभी रिकवरी आई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल जीडीपी। तो अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो जो बड़ी 15 इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें ही बात करूँगा मैं, जो वर्ल्ड की बड़ी 15 इकोनॉमीज़ हैं उसमें जो अभी रैंकिंग निकला 2016 में, उसमें इंडिया का रैंकिंग 7th हुआ ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का। अगर सभी सेक्टर की बात करूँ तो कंट्रीब्यूशन के मामले में इंडिया का रैंकिंग जो है 15 बड़ी कंट्रियों में इकोनॉमी वाली 7वां रैंकिंग है, जो कि सुधर गया है, काफ़ी सुधरा है। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, अभी ये सुधर के 7वें रैंकिंग पे आ गया है। 2016 का डेटा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज जीवीए। जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द बेसिक टर्म्स। जीवीए के बारे में आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल में, तो उनमें जो भी वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन किसे कहेंगे? जैसे मान लो कि एक मैंने ब्रेड, या फिर मेरे पास वीट था, ठीक है, किसी ने वीट प्रोड्यूस किया, उस पर मैंने वैल्यू ऐड करके उसको मैंने ब्रेड बना दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड। और ऐसे जो भी एडिशन है वैल्यू के, सबको एक साथ कर दिया जाए किसी इकोनॉमी को लेकर, तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं, एडेड कहते हैं, ठीक है। तो जीवीए ग्रोथ जो है इस सेक्टर का कॉन्स्टेंट प्राइस पे हाइएस्ट था इंडिया का वर्ल्ड में, 7.8%। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, लगभग हाईएस्ट ही रहता है इंडिया का। नंबर 2 पे चाइना था, चाइना वाज विद 7.4% जीवीए कंट्रीब्यूशन ग्रोथ रेट। तो ये एक अच्छा है माना जाता, अच्छा बहुत माना जाता है, बिकॉज वर्ल्ड में हम लोग नंबर रहते हैं जीवीए कंट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट इसमें कम होता है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन खूब सारा है इसका, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे इंडिया में लोएस्ट है। जो डेटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगभग 2016 का डेटा है, इस डेटा के हिसाब से, ये डेटा निकाला था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था ये डेटा। ये डेटा के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में सभी सेक्टर में, वो 30.6% है, और जो कि लोएस्ट है वर्ल्ड में। तो ये कंसर्न है हमारी इकोनॉमी का, इसमें कुछ देखिए इसमें के कारण क्या हो सकते हैं। कारण हो सकते हैं सबसे पहले अनस्किल्ड मैन पावर, ठीक है, लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये, इसलिए भी। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारा कम है यहाँ पे, और इनफैक्ट हम लोग लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ रिटर्न टू पॉजिटिव टेरिटरी। तो जो सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो बेसिकली 2009 से कंटिन्यूसली नेगेटिव टेरिटरी में था, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। तो ये डेटा दोनों का है, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, ठीक है। तो ये नेगेटिव टेरिटरी में था 2009 से, लेकिन लास्टली सिंस 2015 आफ्टर 6 ईयर्स ये अभी हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। वो वर्ल्ड का जो सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो लगभग 4.3% है, ठीक है, वर्ल्ड का सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ 4.3%, वाइल इट वाइल इट वॉज 9.9% फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड में 4.3% था, इंडिया में 9.9% है एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो कि एक अच्छी खबर है। और मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारा जो
जो सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर बताया था कि ये एक्सपोर्ट पे ही ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल डिमांड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये इस वजह से है क्योंकि इंटरनल डिमांड हमारा तो ज़्यादा है नहीं और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सभी सेक्टर का बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी 9.9% का एक ग्रोथ देखा गया है। देन 0.2% है इसका चाइना का, हाईएस्ट है रसिया का। तो देखो आप, चाइना का बहुत कम है, 0.2% वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसका, और रसिया नंबर वन पे है विथ 18.4%। बहुत अच्छी बात, रसिया इसमें बहुत आगे है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे इंडिया एंड ग्लोबल सर्विसेज से, और इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। अगले टॉपिक में हम फर्दर जो क्लासेस इसके बचे हुए हैं टॉपिक वाइज एक एक करके पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे और आसानी से समझते चलेंगे, और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, होप सो आप कर लोगे। एंड आप तब तक वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।